जय श्री राधे माता की। दोस्तों अभी मैं नागौर के सरकारी अस्पताल जो बीकानेर रोड पर है वहाँ पर रात्रि था। अब 1 बजे है, वहाँ से रवाना हुआ हूँ, घर जा रहा हूँ। अपने 1-2 घंटा नींद लूँगा, सुबह मैं वापस जेएलएन अस्पताल आऊँगा। पूरा मामला क्या जान लीजिए। बैंक मैनेजर जो बिरलो का, मैं एक बैंक में मैनेजर था, उस पर गबन का आरोप लगा करके उसे पुलिस थाना खींवसर ने गिरफ्तार किया था और 2 दिन रिमांड पर भी रखा है। परिवार को पूरा शक ही नहीं, यकीन है कि उसको जानबूझकर मारा गया है, जानबूझकर फंसाया गया है। ये सारी बातें हमारे सामने भी आई। दोस्तों वीडियो को दबाकर शेयर करना, हो सकता है अभी आप लोग नहीं देख पाए लेकिन सुबह देख पाए, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और सुबह 10 बजे माताएं, बहनें, भाई जो मुझसे प्रेम रखते हैं वे भी, और जो मुझसे नफरत करते हैं वे लोग भी जरूर पधारें। आप खुद अगुवाई करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ केवल इतना ही है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अगर आप नेतृत्व करेंगे तो मैं आपके नेतृत्व में अपना सहर्ष स्वीकार है, लेकिन समाज के इस भाई को न्याय मिले, बस हमारी मांग केवल इतनी है। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़कर समाज की आपस की फूट ना दिखाते हुए समाज को कल एकता दिखानी है, एक दूसरे से नफरत नहीं करते हुए समाज के लिए कुछ करना है। आओ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। अगर मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो 100% न्याय मिलेगा, 100%। और अगर टुकड़ों में बटे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। टुकड़ों में ना तो कभी कुछ मिला है और ना ही कभी कुछ मिलेगा। इसलिए मेरे सभी छोटे बड़े भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। रात को 1 बजे मैं वहां से निकला हूं और सुबह मैं जल्दी वहां पहुंच जाऊंगा। परिवार ने मुझ पर भी भरोसा जताया है और मुझसे अभी सारी वार्तालाप हुई है। मैंने परिवार को कहा है कोई भी XYZ कोई भी अगर हमारी अगुवाई करे, कोई हमारे लिए लड़ना चाहता है तो सहर्ष स्वीकार है। मैं आपके साथ, आपके पीछे, आपके आगे, आपके साथ, आपके साइड में जहां कहेंगे वहां खड़ा रहूंगा। मेरा उद्देश्य केवल और केवल पीड़ित परिवार को न्याय मिले, बस यही उम्मीद करता हूं। मेरे नागौर का मामला है इसलिए मुझे यहाँ रहना जरूरी है, इसलिए जोधपुर का प्रोग्राम कैंसिल है, बलौ का प्रोग्राम कैंसिल है। अगर लंबा धरना चला तो जयपुर का प्रोग्राम भी कैंसिल होगा, क्योंकि पहले गृह क्षेत्र में अगर कोई काम हो गया हो तो मुझे यहाँ भागीदारी निभानी अति आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, हो सके तो सुबह जो नागौर में रहते हैं खासकर वो जरूर पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों। नागौर का मतलब केवल नागौर नहीं, नागौर पूरा जिला है, 1530 गांव है। उन सभी से मैं अपील कर रहा हूं कि माताएं, बहनें सभी एक बार सरकारी अस्पताल जरूर पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को।